आज इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन जो है एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे, देखेंगे इसको कैसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन हल हो जाएगा। लिखा है 9 9 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/17 माइनस 9 सही 1/4। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम हल करते हैं, तो लिखेंगे 9, इसको हम अलग कर सकते हैं, 9 सही 3/4 को लिख सकते हैं, 9 सही 9 प्लस 3/4 प्लस 7 सही 2/17 को हम लिख सकते हैं, 7 सही 7 प्लस 2/17। इसी तरह से माइनस 9 सही 1/4 को लिख सकते हैं, माइनस 9, और ये हो जाएगा माइनस 1/4, क्योंकि माइनस है तो माइनस की गुणा अंदर होगी, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। अब 9 जो प्लस का है और माइनस का 9, ये आपस में कट जाएंगे, 3/4 और 1/4 इनका हर बराबर है तो अंश इनका घट जाएगा, 3 में से एक जाएगा, बचेगा हमारा 2/4 प्लस, बाकी हम ऐसे ही उतार लेंगे, 7 प्लस 2/17। अब इसमें ये कट जाएगा, 2 1 कम 1, 2 2 4, ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 7 प्लस 2/17। 7 हम अलग लिख देंगे, प्लस 1/2 प्लस 2/17, इसको इधर हल किया दे रहे हैं, 7 ऐसे ही लिख लेंगे, 17 और 2 का एलसीएम होगा 34, 17 और 2 का एलसीएम 34, 2 को 34 में भाग देंगे जाएगा 17 बार, तो ऊपर 1 की गुणा भी 17 से कर देंगे, हो जाएगा 17, 17 की गुणा भाग 34 में देंगे, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा, तो 2 में 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 7 प्लस 17 4 हो जाएगा हमारा 21, 17 4 21 हो गया, और नीचे 34, इसको हम लिख देंगे 7 सही 21/34, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।